अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किस तरह एक क्वालिटी एक्सपायर्ड डोमेन्स और नीच रेलिवेंट एक्सपायर्ड डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं और उन्हें किस तरह बाय करें, कहाँ से चीप मिलेंगी और उनकी प्राइस क्या होती है और उन्हें 301 रीट्रैक्ट किस तरह करना है अपनी मनी साइट के ऊपर। तो जो ब्लॉग वेबसाइट्स हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों ने उनके ऊपर एक्सपायर्ड की रिसर्च शुरू कर दिया, जिस वजह से उनमें से क्वालिटी वेबसाइट फाइंड करनी काफ़ी मुश्किल है। इस वजह से हम अपनी नीच के रेलिवेंट्स फोरम तलाश करेंगे, जैसे मैंने लिखा है गेमिंग फोरम्स, और ये कुछ लिस्ट आ गई हैं, उनमें से मैंने ओपन किया अभी। तो सबसे पहले कॉपी करेंगे इनको, पेस्ट, अब यहाँ से लिंक डोमेन्स, ये वेबसाइट अपने अलावा कुछ ख़ास वेबसाइट के अलावा किसी को नहीं कर रही, इस वजह से इसे इग्नोर कर देंगे। हमने उन पे वर्क करना है जिन पे कम से कम एटलीस्ट 500 हों। तो ये फॉर्म ठीक है, अब इसे करेंगे एक्सपोर्ट, फुल एक्सपोर्ट। तो इस पे थोड़ा टाइम लगेगा। अब करते हैं इसे डाउनलोड, तो डाउनलोड हो रहा है। तो दो टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, एक तो ये रैंक्स वालों का बल्क डोमेन अवेलेबिलिटी चेकर और दूसरा है स्क्रैप बुक्स। तो इसमें 20,000 डोमेन्स एंटर करेंगे हम। यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं हम पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, और यहाँ से ग्रैब एंड चेक फॉर अनरजिस्टर्ड डोमेन्स, यहाँ से स्टार्ट।
स्क्रैप बॉक्स का मसला ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो डोमेन्स हैं वो रजिस्टर्ड डोमेन्स को भी ये अवेलेबल शो करवा लेता है, तो इस वजह से पर्सनली रिकमेंडेड टूल जो है वो रैंक स्टार्ट आई हुआ है, ये $10 का मिलेगा आपको। तो स्क्रैप बॉक्स अभी तक चेक कर रहा है, इसे 5 मिनट और लगेंगे, जबकि रैंक्स ने चेक कर लिया तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब इसको हम बल्क DAP चेक करें। चेक करेंगे और साथ ही हम बैच एनालिसिस सॉरी 200 होंगी, यहाँ से करेंगे 200 कॉपी। इसमें क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो DR होता है, निकालेंगे हम एक्सपोर्ट। इसमें इतनी खास अच्छी कोई नहीं है, मेरा दिल है कम से कम कोई 30 अबव की हो जाए तो बेहतर होगा। तो ये कुछ अच्छी डिमांड लग रही है, इसके बैक लिंक्स भी काफी अच्छे हैं। RCZ का हिसाब देखते हैं क्या। अच्छा जी, ये CZ रिपब्लिक, इसे भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। DAs का काफी अच्छा है, 36। उसके बाद
तो इसमें तो कोई इतनी ख़ास अच्छी डोमेन हमें मिली नहीं। अब हम चलते हैं अगले 20,000 की तरफ। तो यहाँ पे करते हैं इसे पेस्ट, चेक अवेलेबिलिटी। तो वैसे ज़्यादा हमारा लगा हुआ है अभी तक भी। ये तो हो गया, अब इन्हें चेक करेंगे। अभी करेंगे एक्सपोर्ट। ये दोनों कुछ बेहतर लग रही हैं।
ये वाली मुझे थोड़ी काबिल लगी है बाय करने की वैसे, क्योंकि इसके लिंक मुझे काफी अच्छे लगे हैं। इसमें दो क्वालिटी बैक लिंक्स हैं और मेरे ख्याल से अगर इतने भी मिल जाएं तो इतनी बुरी बात नहीं। इसके बैकलिंक्स भी काफी हद तक अच्छे हैं, रेलिवेंट भी हैं और क्वालिटी वेबसाइट्स हैं। और ये है भी टेक रिलेटेड, डीए भी अच्छा है इसका 26। तो मेरा दिल है हम इन दोनों की बाय कर लें। अगर हम लगे रहें 3-4 घंटा तो ये टोटल कोई 1.5 लाख वेबसाइट्स हैं जिन्हें चेक करना है, तो इसमें हो सकता है कि हमें कोई 40-50 DA वाला भी मिल जाएगा आराम से। चलेंगे, ये जो रिमेनिंग है इन्हें चेक कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। तो ये सारे चेक हो गए हैं और इसमें दो ही कुछ काम की मिली हैं मुझे। एक से बाय कर लेते हैं। और एक हम
से बाय कर लेंगे। तो मैं ये वाली बाय करने लगा हूँ, इसकी वजह ये है कि इसे दो क्वालिटी बैक लिंक्स मिले हुए थे। अच्छा जी, 0.20 डॉलर बच गए। अच्छा जी, परचेज हो गई है, अब मैनेज। करेंगे डिलीट, एडवांस डीएनएस। डिलीट कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ से यू आर रिडायरेक्ट और होस्ट, ये एंड पे स्लैश नहीं होनी चाहिए, परमानेंट 301, एड न्यू रिकॉर्ड, www, परमानेंट, तो अब कुछ टाइम लगेगा इसे और उसके बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगी। ये देखें, रिडायरेक्ट वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है आज की ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी और कुछ जो आपकी मिसकंसेप्शंस होंगी वो भी क्लियर हो गई होंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।